बॉलीवुड की तरह ही हॉलीवुड स्टार्स किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाते हैं। वहीं हॉलीवुड फिल्म जूनो इंस्पेक्शन और द अम्ब्रेला एकेडमी में नजर आ चुकी एक्ट्रेस एलन पेज इन दिनों खूब सुर्खियां बिटोर रही हैं। पिछले साल दिसंबर में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया था और उसके जरिए बताने की कोशिश की थी कि वो अपना जेंडर चेंज कर चुकी हैं। वो सर्जरी के बाद पुरुष बन चुकी हैं। सर्जरी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर एलियट पेज कर दिया। इन्होंने दिसंबर में ही अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि वो ट्रांसजेंडर है। वहीं बता दें कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम का नाम भी बदल लिया था, अब वो एलियट के नाम से जानी जाती हैं। उनके इंस्टाग्राम पेज का नाम भी एलियट पेज हो चुका है। सर्जरी के 6 महीने बाद अब जाकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शर्टलेस फोटो शेयर की जिसमें उनके सिक्स पैक ऐप साफ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एलियट की ये शर्टलेस फोटो खूब वायरल हो रही है। लोग उनके ऐप्स देखकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में एलियट ने बताया था कि उनका बचपन सामान्य था लेकिन टीनेज में उन्हें अपने शरीर में बदलाव दिखने लगे जिससे वो बहुत ज्यादा असहज रहने लगी। इस दौर में एलियट टॉम बॉय की तरह रहती थी लेकिन जैसे जैसे उनका करियर बढ़ा वो अपनी पर्सनल लाइफ में उतनी ही ज्यादा परेशान रहने लगी। एलियट ने बताया था कि वो फिल्म प्रमोशन के दौरान भी महिलाओं वाली ड्रेस में खींचे फोटो को देख काफी अजीब महसूस करती थी। इसी के चलते उन्हें पैनिक अटैक भी आने लगे थे और पार्टी के दौरान उन्हें काफी घबराहट भी होती थी। वहीं बता दें कि पेज ने 2014 में कबूला था कि वो एक लेस्बियन है। इसके करीब 4 साल बाद उन्होंने कनाडा की डांसर एमा पॉटर के साथ 2018 में शादी की थी। हालांकि अब दोनों के बीच तलाक हो चुका है। वहीं पेज ने 2007 में आई जेसन रिटमैन की फिल्म जूनो में एक प्रेग्नेंट टीनेज का रोल भी प्ले किया था जिसके लिए उनका नाम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। वहीं अब वो पूरी तरह से ट्रांसजेंडर हो चुकी है और अपने आप को पुरुष में तब्दील कर लिया है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।